हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग गेमर। आज मैं आप सभी को रोब प्रो निंजा हीरो गेम्स की एक्सप्लोरिंग करके बताऊंगा कि इस गेम में हम क्या क्या खेल सकते हैं, क्या क्या एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये पावर है कि हम इससे कहीं पर भी चढ़ सकते हैं या कहीं पर भी जा सकते हैं। इस गेम में हम अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, गन्स खरीद सकते हैं, मिशंस बहुत सारे होते हैं इस गेम के। स्केटबोर्ड, जैसे स्केटबोर्ड है इसके पास, स्केट शॉप है एक, वहाँ से हम स्केटबोर्ड भी खरीद सकते हैं। जाएगा नहीं क्या तू? इनको तीन चार ना लगे हैं, ये मानते नहीं है। अब देखो अभी एम्बुलेंस आएगी यहाँ पर, एम्बुलेंस इसकी एक्सप्लोरिंग करेंगी, इसको ठीक करेगी एम्बुलेंस। अब ये देखो जैसे GTA गेम में नहीं होता। और ये देखो ये पुलिस ऑफिसर आए हैं बाइक पर, वो चले गए क्योंकि ये ठीक हो गए ना, इसलिए वो चले गए। अब देखो इसके साथ दोबारा फाइट करेंगे, इसको दोबारा मार दिया। ये एम्बुलेंस इसको दोबारा ठीक करने आ रहा है। और देखो पुलिस ऑफिसर आ गए हैं, ये जांच करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये देखो ये पुलिस ऑफिसर अब वापस चला जाएगा जब तक ये ठीक होता। देखो ये अगर ये मर गया, ये देखो मैंने इसको फिर से मार दिया, अब पुलिस ऑफिसर दोबारा जांच करने के लिए आएगा। वही देखो अब पुलिस ऑफिसर उतरा, ये तभी ठीक कर देता, इसको अच्छे से मरने नहीं दे रहा ये। एक बार पुलिस ऑफिसर को जान, इसको दोबारा मारूंगा। आ जा भाई तू इस साइड आ जा, तेरी भैंस की टांग। इसको मैंने फिर से मार दिया। हाँ जा भाई पुलिस ऑफिसर एक बार जांच कर ले इसकी। इस एम्बुलेंस वाले को तो मैं संभालता हूँ, तो इसको एक बार इसकी जांच कर ले। ये देखो ये पुलिस ऑफिसर अब इसकी जांच करेगा कि कैसे इसका खून हुआ। ये देखो ये रिपोर्ट लिख रहा है अपने हाथ पर या किसी कॉपी पर। अभी से जांच करी है, इसको मैंने पूरा ही खत्म कर दिया। ये देखो गाइस ये इसकी जांच कर रहा है, ये जांच हो गई, अभी चला जाएगा। देखो गाइस अभी पुलिस स्टेशन में जाएगा ये एम्बुलेंस भी अपना दूसरे पेशेंट के पास। चलो और कुछ दिखाता हूँ मैं आपको इस गेम से रिलेटेड। इस गेम में खेलने के लिए तो बहुत कुछ है। ये एम्बुलेंस वही थी ना, जैसे इस गेम में जैसे ये गाड़ी है, हम इसको उछाल भी सकते हैं अपने इससे। BMW भाई, BMW ये देखो भाई कितनी लग्जरी गाड़ी है, मैं चलाऊंगा इसको। हम गैराज में अपनी गाड़ी को सेव भी कर सकते हैं। क्या ही मस्त चल रही, ओ अभी इसकी तारीफ की थी और अभी ये ठुक गई। देखो भाई अब यहाँ पर पास ही में एक गैराज है, वहाँ हम इस गाड़ी को सेव कर सकते हैं। इस गेम में हम ATM से पैसे निकाल भी सकते हैं और उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जैसे देखो गाइस मैंने इस गैराज में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, अब ये गैराज
में सेव हो जाएगी मेरी गाड़ी। अब जैसे भी देखो, आज मैंने यहाँ पर 4 गाड़ियाँ सेव करवा रखी हैं। मैं कोई भी गाड़ी पे क्लिक करूँगा वो निकल के आ जाएगी। जैसे क्लासिक कार है, ये हमारी आ गई। और कोई जैसे मोस्टर ट्रक है, वो भी आ गया। तो गाइस यार, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या शॉप्स हैं जिनसे हम क्या क्या खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं एक स्केटबोर्ड का ले लेता हूँ भाई। स्केटबोर्ड, ओ भाई दे दे तू, फिर पिछली बार भी बिठा था। स्केटबोर्ड स्केटबोर्ड दे, ऐसे नहीं मानेगा तू। अब दिखाता हूँ गाइस मैं आपको, यहाँ पर एक गन शॉप है पास ही में, देखिए ये गन शॉप। सीधा अंदर ही लेकर चलते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं आती है। यहाँ पर स्केच बोर्ड से उतरते हैं हम। और देख गाइस, ये आर्मर है जो कि 150 का मिलता है। यहाँ पर गन्स हैं, अच्छी वाली मिनी गन है, आरपीजी है, स्टेकी बॉम्ब्स हैं, बहुत कुछ है गाइस। तो हम यहाँ इस गन शॉप से हम गन्स खरीद सकते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ और कोई शॉप पे जो और पास में हो। बैक नहीं होती क्या ये? कोई नहीं, हम सीधे चलाएंगे। बैक क्यों ऐसे करनी है? तो पहले तो हम बाहर निकलते हैं। ये और तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी स्टिक स्केट शॉप आ गई है। यहाँ से हम स्केटबोर्ड खरीद सकते हैं। ओए आज दुकान शायद बंद है यार, दुकान तो ऑन होती है। हाँ ये देखिए भाई, ये शो हो गई है, पहले शो नहीं हो रही थी। ये देखिए हम कितने अच्छे अच्छे स्केट शॉप है। यहाँ से हम कितने अच्छे अच्छे स्केटबोर्ड ले सकते हैं। और भी कुछ दिखाता हूँ गाइस मैं आपको, और शॉप जैसे वर्कशॉप है। और गाइस यहाँ पर एक बार्बर शॉप भी जो कि पास में ही है। चलो मैं आपको पहले वो ही दिखाता हूँ। ये एक बार्बर शॉप है यहाँ पर। पहले तो मैं इससे उतरता हूँ और बार्बर शॉप के अंदर चलता हूँ। गाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बार्बर शॉप। इसमें हम जैसे ये लड़की आई है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी चेयर पे बैठी है, मैं इसकी हमें इसके बाल काटने हैं। पहले इससे पूछते हैं कि ये क्या कटवाना चाहती है। तो इसको कुछ कटवाना है, नाइस लुकिंग कटिंग, इनका अच्छे दिखने वाले बाल चाहिए इसको। ये ₹18 में, $18 में इतने ऐसे कटते हैं। एक्सपेंसिव, इसको एक्सपेंसिव ना, कुछ एक्सपेंसिव यही कटवा दे इसके 13। अब दूसरी कस्टमर आ जाएगी, लेकिन मैंने भी नहीं करना, हमने नहीं काटने किसी के बाल। तो हम बाहर हो जाते हैं। ये गाइस आप देख रहे, पर रहे हैं, ये एक एटीएम है। हम इसमें पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें बाहर आ चुका, हमारी स्केटबोर्ड चोरी हो गई बाहर निकलते ही। ये हमारे साथ धोखा हुआ। तो हमें इसकी साइकिल ले क्या? ये तो एक लेडी साइकिल है यार, लेडी साइकिल चलाने में क्या। तो हम क्या करें, इसी की साइकिल लेते हैं। ये देखो भाई, वहीं से लिया है इसको खींच के। ये शायद मार गया मेरे को, पिट के जाएगी तू, पिट के जाए। काम भाई मुझसे पंगा लेगी, तो ऐसे ही पिटेगी। ये देखो भाई, इसका तो भूत बना दिया यार हमने। ओ ये फायर ब्रिगेड वाले समझते हैं यार। अभी यहाँ एक स्केटबोर्ड गई थी, वो रही, पकड़ो इसको यार। ये अंधे हैं क्या, इनको बंदा दिखाई नहीं दे रहा। उधर नीचे नीचे उतर, ये नहीं उतरेगी, कोशिश नहीं पड़ेगी। अरे रुक जा रुक जा, ये हमने स्केटबोर्ड ले ली इसकी। अब चलते हैं, पहले तो आवाज बता लेता हूँ इसकी, वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में एक्सीडेंट और हो गया भाई। बैठ जा स्केट शू पे, स्केटबोर्ड पे, स्केट शू पे ना।
ज़्यादा ही कुछ आवाज़ कर रही है। ओ भाई मेरा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं है इसमें, अच्छी से नहीं चला रहा है इसको। ये देखो भाई जी, मैं आपको एटीएम दिखाई देता हूँ, ये पास ही में एक एटीएम है, देखो भाई ये एटीएम है, इससे हम पैसे विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जमा करवा रखे थे 1,340 रुपये में, ये मैंने ले लिया अपना। मैंने देखो ऊपर दिखाई दे रही है आपको, ये प्लस के साइन के पास ये मैं ले लिए। अब इसको मैं डिपॉजिट करा देता हूँ कहीं पर, ये चोरी ना हो जाए मेरे से, समझते हो ना गाइस। तो ये एक और गन शॉप है सिटी में जो मैंने आपको दिखाई दी है। तो वैसे मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो वैसे एक और चीज, ये यहाँ का कसिनो है, हम यहाँ पर ये जुआ वगैरह खेल सकते हैं इस कसिनो में। ऐसे में नहीं खेलना भाई, ये देखो ये मार्क्स आ रहे हैं, इनसे हम खेल सकते हैं जुआ वगैरह, पर मेरे पास अभी 10 रुपीज़ है तो मैं नहीं खेलूँगा। हो जा भाई, एक तो लोडिंग बहुत होता है, हो जा बाहर जल्दी आ जा। हाँ ये फिर स्केटबोर्ड चोरी हो गई, कुछ और लेकर चलते हैं इसकी, बोल लेते हैं क्या ये साइकिल है क्या है। रुक भाई रुक रुक रुक, ओ भाई रुक जा मार दे इसको मार दे, इससे चलते हैं देखते हैं कैसे चल रही है। ओ ये क्या ही निकली चीज़ है यार ये, और ये पास ही में एक क्लॉथ शॉप है, मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलता हूँ क्लॉथ शॉप पर। चल भाई चल चल चल, ओ आराम से ये को एक क्लॉथ शॉप के चक्कर में मैं ये गया, यो शॉप क्लॉथ्स, यहाँ पर स्किन्स वगैरह मिलती है। ये देखो भाई ये लेडी है क्या, अच्छा ये पीछे मिरर में दिखाई दे रही है, मास्क वगैरह ग्लासेस हैट, ये मस्त लग रही है। मेरे पास भी पैसे नहीं है, इस सिटी में हम अपना घर भी खरीद सकते हैं, इसमें लगे लिए। चलो चलो इसी से चलते हैं। तो अरे भाई भाई, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ से घर कैसे खरीद सकते हैं। घर खरीदेंगे एक स्केट शॉप रही, ये गाइस आप देख रहे हैं एक स्केट शॉप रही इसी सिटी में। बाइक वगैरह आ रही है क्या, मोस्ट था ये देखो गाइस, यहाँ से हम घर को खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमें 50,000 रुपये में मिलेगा, लेकिन वही बात पैसे नहीं है हमारे पास, अभी तो गेम शुरू ही किया है। ये 20,000 में इसके साथ हमें गैराज मिलेगा जिसमें हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, खड़ी क्या ही बोल रहा हूँ मैं, एक और अगर वो भी बिकाऊ है सेल के लिए, सेल चल रही है यहाँ पर अच्छी अच्छी सेल। यार कितनी देर लगेगी, ये घर 10,000 रुपये में कितना सस्ता है, ये साथ भी गैराज है, ये पार्किंग की जगह है, यहाँ से रास्ता बंद है, लेकिन हम तो भाई ऐसे बंद है जो पूरी डायरेक्शन में चलते हैं, बताने के बाद तो जरूर
बोर्ड लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर स्केच बोर्ड मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तेरे हैं इसकी टांग। ओ कहाँ पर, क्या हुआ इसको, लैग हो गई। अरे भाई रुक जा तू, उसके हेडबोर्ड से। अरे ये क्या लड़की है, मेरा डर नहीं इसको कोई। अब तो मैं इसके लिए कि स्केटबोर्ड लेके रहूँगा। तो चलो गाइस, स्केटबोर्ड तो मेरे को मिल गई है। अब थोड़ा इस एरिया में चलते हैं। अब हम चलेंगे एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर चलते हैं गाइस। ये देखो भाई, ये जो सामने बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये यहाँ का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की पार्किंग है, ये मोस्ट खड़े हुए थे उधर। अब हम एंट्री ले रहे हैं एयरपोर्ट में। तुम जगह से एयरपोर्ट है, इधर लाइट्स भी चला रहे हैं। इसमें कोई प्लेन आ रहा है, आएगा या चलेगा भी, यहाँ पर देखते हैं। एक प्लेन तो यहाँ खड़ा, ये देखो भाई जी टेक ऑफ के लिए जा रहा है, ये प्लेन टेक ऑफ के लिए जा रहा है। देख तो उसके साथ साथ चलते हैं, बहुत ही सोचो जा रहा है कब तक पहुँचेगा। मैं इसकी गाड़ी देखो आगे 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 चल रहा हूँ। कहाँ पर गया, हटलो सामने से हट जाओ, इसके साथ रेस लगाएंगे। कुछ सीधा यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगा क्या, कहाँ से मुड़े भाई ये, वो बच गए तो से तीज में ही हूँ। देखो भाई यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, एक प्लेन खड़ा हुआ जेट, प्राइवेट जेट किसी का। चल भाई चल जल्दी चल चल, यहाँ से मुड़ता हुआ है, इससे पहले मैं चला जाता हूँ। यहाँ से ये यहाँ से आएगा ना, हाँ देखो भाई जी मुड़ रहा है। ये गाइस जी अब टेक ऑफ के लिए जा रहा है, वो देखो भाई वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। कितना बड़ा जहाज है, जहाज पे चले। चलो इसके साथ रेस लगाते हैं भाई। देखो ओ ओ भाई देखो, ये चार चार बूस्टर ले गए इसमें, हमारी तो बेइज्जती कर दिया सर। तो गाइस ये है एयरपोर्ट यहाँ का। क्या चला रहा हूँ, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गेम को खेलूँ, वैसे मैं कोई इस गेम को खेलने में मज़ा आएगा, मैं भी इस गेम को खेलना चाहता हूँ। वैसे भी गाइस अगर आप को कोई गेम पता है जिसकी मैं एक्सप्लोरिंग कर सकूँ तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपको एक्सप्लोर करके ज़रूर दिखाऊंगा उस गेम को। उस गेम का नाम आप कमेंट लिस्ट में जरूर करना। देखो गाइस कहाँ पर गई मैं इसका स्केटबोर्ड, ये देखो गाइस ये नया प्लेन आया है,
लैंडिंग हुई है इसकी, ये और दिखा देते हैं आपको। ये तो एक तो बहुत स्लो चलते भाई, इनका कुछ नहीं सकता, नकली प्लेन नहीं। मेरे को ये देखना कि इसमें से पैसेंजर उतरते भी है या वैसे ही। ओह बच गया, चल भाई जल्दी जल्दी चल, इससे पहले तो मैं पहुंच जाऊंगा। ये हमारे पास सुपर पावर्स है, ये कहाँ पर जाके रुकेगा? यहाँ पर रुकता हुआ एक खाली जगह, यहाँ पर एक वैन खड़ी हुई है, क्या मस्त वैन है यार आगे से। ओह यहीं पर आ गए तो सच में, देखते पैसेंजर उतरेंगे यार। ये देखो गाइस, ये करके पैसेंजर उतरने लगे, दो लेडीज उतरी हैं, अब एक जेंट्स हैं, इनको बाहर दिया भाई। अब हम तो उल्टे काम करने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो एक आज के वाले इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे।